1,34,438 किलोमीटर चल चुकी है, यानी कि 1,34,000 किलोमीटर चल चुकी है, 35,000 मान लो। सारी लाइटें आ रही हैं इसमें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गाड़ी स्टार्ट हो गई, कंप्रेसर से चल रहा है मतलब। गाड़ी का पी स्मोक चेक कराओ आप एक बार, स्मोक चेक कराओ। चलो पहला स्टेप ये कंफर्म करना कि इंजन में प्रॉब्लम है कि नहीं है। वाइट स्मोक भी है, ब्लैक स्मोक भी है। इंजन बिल्कुल प्रॉपर है, कोई दिक्कत नहीं है, इंजन बिल्कुल प्रॉपर है, देख सकते हैं यहाँ से। नहीं है बैक कंप्रेसर। अब हमारा स्टेप क्या है, इसका टर्बो चेक किया जाए, सबसे पहले इसका इंटरकूलर चेक किया जाए और इंजेक्टर चेक किया जाए। तो ये मैं खोल के चेक करने वाला हूँ, ठीक है। टर्बो, इंटरकूलर और इंजेक्टर, इंटरकूलर और टर्बो चेक करने का। तो इसमें भी एक पहला स्टेप है, वो है इंटरकूलर सिर्फ चेक करने का, ठीक है। तो ये इंटरकूलर है, यहाँ पर लगा होता है, मैं दिखा दूँ। ये पाइप इंटरकूलर की है जो कि यहाँ नीचे दिख रहा है। तो ये बम्पर खोलने के बाद खुलेगा, पहले इसमें चेक करना है इंजन ऑयल तो नहीं आ रहा है, ये सारी चीज़ें चेक करनी है। तो ये इंटरकूलर को पहले टेस्ट करेंगे, इसके अंदर कितना ऑयल है। ऑयल होता है लेकिन कितना ऑयल है ये पहले टेस्ट करना जरूरी है, उसके बाद से फिर डिसीजन लेंगे कि आगे टर्बो खराब है कि नहीं। ऐसे लोगों से बात होने लगे तिवारी जी, ये तो तसला लिया, वहाँ से उठा दे एक तसला लिया। एक से पहले ये देखते हैं कितना ऑयल है इसके अंदर। बस आ जाओ पाइप जी, वहाँ चले जाओ, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ऑयल की क्वांटिटी कितनी है, पास में करके दिखाओ आप पब्लिक को। आप देख सकते हैं ऑयल कितना भरा हुआ है, ये देखो, ये देख रहे हो ऑयल कितना भरा हुआ है। ये मुझे लग रहा है कि ऑयल काफ़ी है, यानी यहाँ तक ऑयल फुल था, ये सारा ऑयल यहाँ तक फुल था। अब थोड़ा सा दूर करोगे तो मैं कुछ समझाऊँगा, बैठ जाओ। हर 40,000-50,000 पे यदि इंटरकूलर क्लीन हुआ है, उसके बाद यदि इतना ऑयल भर रहा है तो टर्बो का फॉल्ट है। यदि आज तक 1,34,000 चल चुकी है और टर्बो कभी इंटरकूलर कभी क्लीन नहीं हुआ है, तो इतना ऑयल निकलना मतलब इतना ज़्यादा नहीं निकलना चाहिए, इससे थोड़ा सा कम निकलता है। यदि 1,50,000 तक किलोमीटर तक अभी तक इंटरकूलर क्लीन नहीं हुआ है तो इतना से थोड़ा सा ज़्यादा निकलता है तो स्वाभाविक है, लेकिन अभी वो ज़्यादा से भी ज़्यादा है, उतने से लिमिट से ज़्यादा है, इसका मतलब ये टर्बो फेल है। अभी मेरा दूसरा स्टेप टर्बो चेक करने का है, मुझे लग रहा है टर्बो में फॉल्ट है, इसकी वजह से ब्लैक स्मोक और वाइट स्मोक दोनों आ रहे हैं। तो मैं टर्बो को खोल रहा हूँ। अब टर्बो खोलेंगे नहीं डायरेक्ट, पहले टर्बो चेक में रियलिटी में है दिक्कत कि नहीं है, क्योंकि ऑयल आता है इनका तो स्विफ्ट वालों का तो खानदा, ये मारुति में तो खानदानी आदत है ऑयल आने का इंटरकूलर में। पर फिर भी अपने तरफ से हम भाई तरीके से डायग्नोस करें ना तो ज़्यादा अच्छा रहता है। खोलने का तो मैं एयर फिल्टर को बखेरता हूँ।
टूटा हुआ है, खराब है ना? हाँ टूटा हुआ है। बस तो ये वाला पाइप खोल के और ये खोल के साल का कंप्लीट लगा दे। तो अब हम आपको इसका टर्बो निकाल करके फिर चेक करवाते हैं, इसको खोलते हैं फिर इसमें चेक करवाते हैं आपको कमी क्या है। तो अब देख सकते हैं मैंने टर्बो बाहर निकाल ली है पूरी, और ये देखो कितनी चाल है इसके अंदर, आप देख सकते हैं। इतनी जगह नहीं होती है कि यहाँ दिखाया जाए, पर इसमें काफ़ी चाल हो गया है। देखें साइड की जो टर्बाइन ब्लेड है ना, ये इंटेक वाली, ये ज़्यादा करके कट गया है। और इधर से देखो, ये देख रहे हो ना, आप देख सकते हैं ये काफ़ी इसमें चाल है बहुत ज़्यादा, इसलिए काफ़ी ऑयलें बाहर मार रही थी ये दबा के। और खोला था यार, कल सुबह खोला था यार मैंने, अभी टाइम मिल पाया इसको डायग्नोस करने का। सही बता रहे हैं, काम का प्रेशर इतना ज़्यादा है क्या बताऊँ यार। तो ये टर्बो मुझे कंप्लीट डालनी पड़ेगी, और कोर है, कोर में और कंप्लीट में सिर्फ 2000 का फ़र्क है, बस 2000 का फ़र्क है बस। तो मैं कंप्लीट ही से डाल देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा मुझे, भविष्य के लिए भी टेंशन फ्री हो जाएंगे बस। ठीक है, तो अभी मैं दूसरा डालता हूँ। तो यह है न्यू टर्बो, नया टर्बो जो कि हम इसमें चेंज करने वाले हैं। कंप्लीट टर्बो है ये। कोर डालने से कोई फ़ायदा नहीं होता, कोर डालने से फिर वही प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसलिए हम नया टर्बो डालेंगे इसमें। ये कंप्लीट है, जो कि इसमें हमें कैटलिक कन्वर्टर फिट करना है। ये इसका कैटलिक कन्वर्टर है। अब यहाँ से इसको कंप्लीट फिट करके कैटलिक कन्वर्टर यहाँ पर, और फिर इसको डायरेक्ट लगा देंगे। तो अभी इसको टाइट कर लेंगे यहाँ पर, और फिर इसको इंजन में हम ले जा करके फिट कर लेंगे बाहर। इसको पूरा कंप्लीट कैटलिक कन्वर्टर अच्छे से टाइट कर लेंगे। तो इसमें नया कंप्लीट टर्बो डालने में ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, कोर में शिकायत आने का ज़्यादा चांस रहते हैं कि वो कभी कभार सही से बैठती नहीं है, या फिर कोई कमी रह जाती है उसमें। तो ये कंप्लीट में ही फ़ायदा है। तो अभी इसकी फिटिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है, लास्ट थोड़ा बहुत रह गया है, तो उसकी फिटिंग चल रही है। तो अभी हम थोड़ी देर में आपको स्टार्ट करके इसको चेक करवाते हैं। ब्लैक स्मोक भी चेक करवाएंगे आपको, लास्ट में वाइट स्मोक भी चेक करवाएंगे। सारा कंप्लीट करके आपको मैं दिखाऊँगा इस वीडियो में। आपने देखा था पहले कितना व्हाइट स्मोक मार रही थी ये, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको इसमें क्लियर करके दिखाऊंगा। इंटरकूलर साफ़ किया है इसमें, और टर्बो न्यू फिट नया लगाया है। बाकी सारी जो एयर फिल्टर होते हैं वो सारा साफ़ करके फिट करके दोबारा से लगाया है। अब हम इसको स्टार्ट कर दिए। स्टार्ट करने के बाद अभी तो अब हम इसकी कम्प्लीट फिटिंग कर देंगे। कम्प्लीट फिटिंग करने के बाद इसकी रोड टेस्ट करेंगे,
टेस्ट ड्राइव और फिर इसको चेक करवाएंगे आपको। तो वाइट स्मोक चेक करवाएंगे। तो अभी हम इसमें नया टर्बो डालते ही पिकअप तो ज़बरदस्त हो गया है, बढ़िया मज़ा आ गया चलाने में। तो अब इसमें अब फाइनली हम एक बार ही आपको धुएं का वीडियो दिखा देंगे और फिर आप क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं वाइट स्मोक, यहाँ पर देख सकते हैं आप कोई वाइट स्मोक या ब्लैक स्मोक नहीं है, इतना तो नॉर्मल रहता ही है।